हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ दोस्तों बच्चों का लंच बॉक्स। तो आए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो रेसिपी है स्पेशली मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है पोटल मसाला बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है पोटल मसाला बनाने के लिए आधा केजी पोटल ले लिया है। इसको यहाँ पर परवल भी बोलते हैं और इसको मैंने अच्छे से धो भी लिए हैं। तो चलते इसको पहले ऊपर का जो ये छिलका है पतला सा, उसको हम छील करके काट लेते हैं बड़े बड़े लेसेस में। तो यहाँ पर मैंने पोटल को काट लिया है दोस्तों। ये देखिए ऊपर का हिस्सा, ये पतले वाला मैंने छील करके कट कर लिया है। और इधर गैस पर कढ़ाई रख दिया था दोस्तों गर्म होने के लिए। तो कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया है। तो यहाँ पर हम सरसों का तेल डाल दिए हैं, अब इसको गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पर सरसों का तेल गर्म हो गया है। तो यहाँ पर अब हम डाल देते हैं एक चम्मच साबुत जीरा, थोड़ी सी यहाँ पर हींग डाल देते हैं हम। एक प्याज को मैं बड़े पीसेस में कट कर लिया है दोस्तों। और यहाँ पर दो हरी मिर्च लिया है जिनको मैंने बीच में कट किया है। तो यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च डाल देते हैं। तो प्याज को हमें बस यहाँ पर इतना ही पकाना है, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन प्याज को नहीं करना हमें। तो यहाँ पर जो हमने पोटल कट करके रखा है उसको भी हम डाल देते हैं। तो पोटल को अच्छे से चला दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक डाल दिया यहाँ पर। अब इसमें हम एक बार अच्छे से मिला देते हैं। आज को मैंने यहाँ पर धीमा कर दिया है। धीमा इसलिए किया है मैंने क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने नमक डाला है। तो नमक से इसमें थोड़ा सा सॉफ्टपन आने के लिए हम इसको ढक दे रहे हैं लो आंच में। तो यहाँ पर मैं पोटल मसाला के साथ फेवरेट पूरी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है 2 कप। अब आटा में हम डालेंगे ये अजवाइन, पाचन के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों अजवाइन। डालेंगे हम नमक 1/2 चम्मच हल्का कम। इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच इतना रिफाइन ऑयल। अब आटा को पहले हम ऑयल से मिला लेते हैं और इसको सान करके रेडी कर लेते हैं। तो आटा यहाँ पर मैंने लगा लिया है, अब इसको ढक करके हम छोड़ देते हैं। अब हम आंच को तेज कर देते हैं, ढक्कन को हटा लेते हैं। तो पोटल यहाँ पर मतलब सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं मसाला, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, सब छोटी चम्मच में डाल दूँ, चिली फ्लेक्स तीखी वाली 1/2 चम्मच, हल्का कम धनिया पाउडर। अब इसको हम मसाला को अच्छे से होटल में मिक्स करते हुए भून लेंगे। तो पोटल मसाला यहाँ पर हमारा ये रेडी हो गया है बंद करके दोस्तों। और ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, टेस्ट भी बना हुआ है। तो यहाँ पर हम गैस को कर देते हैं बंद और इसको ढक करके साइड में हम रख देते हैं। और इधर मैंने कढ़ाई में तेल डाल करके रख दिया था गर्म होने के लिए। तो कढ़ाई अच्छे से मतलब तेल गर्म हो गया है। और यहाँ पर मैंने 4 पूड़ियाँ बना लिए हैं, ना ही ज़्यादा पतले बेले हैं ना ही ज़्यादा मोटे बेले हैं, ये देखिए इस तरीके के। तो यहाँ तेल गर्म है तो हम पूरी छान लेते हैं एक एक करके। तो इधर मैंने पूड़ियाँ भी बना करके रेडी कर ली हैं दोस्तों। और ये देखिए कितना अच्छा मतलब पूड़ी का कलर आया है। मैंने इसको नॉर्मली सिर्फ गेहूं के आटे से बनाया है। ये देखिए दोनों तरफ से का बढ़िया एकदम फुला फुला अच्छा कलर आ गए हैं। तो इधर हमारा ये पोटल मसाला और पूड़ी बन करके टिफिन स्पेशल रेडी हो गया है। अब आपको मैं एक टिफिन पैक करके दिखाते हैं बच्चों को लंच बॉक्स। तो इधर मैंने अपने लड़के का लंच बॉक्स ले लिया है। अब यहाँ पर मैं लेना है रोटी पेपर। अब इसके ऊपर हम पूड़ियाँ रखेंगे। तो पूड़ियाँ रखने के बाद इस तरीके से हम पेपर से इसको ढक देंगे और इसके ऊपर एक और पेपर हम लगा देंगे। पानी तो कागज सूख लेगा दोस्तों, लेकिन पूड़ी गर्म रहेगा। तो यहाँ पर ये पूड़ियाँ हमारा रेडी हो गया है। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को टिफिन रेडी कर दिया है। यार यहाँ पर फ्रूट में मैं बच्चों को दूंगी केला,
केला को मैं अलग कटोरी में कट करके आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से मैं दूंगी। तो केला यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा हम चाट मसाला डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने फोल्ड पेपर में केले को रख दिया है क्योंकि हमने हैवी नाश्ता भी दिया है, पूरी साथ में पोटल मसाला और एक केला जिसके ऊपर मैंने चाट मसाला छिड़क दिए हैं। अब इसको अच्छे से इस तरीके से रख कर देंगे, आने बंद कर देंगे इसको और हम रख देंगे। तो ये देखिए हमारा स्पेशली बच्चों का लंच बॉक्स बन करके रेडी हो गया है दोस्तों। तो मेरी ये रेसिपी बन करके रेडी हो गया दोस्तों, बच्चों का स्पेशली लंच बॉक्स बना करके मैंने रेडी कर लिए हैं। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और अच्छी लगी हो मेरी ये रेसिपी तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अपनी फैमिली और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।